Welcome to my YouTube channel Recipes with Ghazal। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें Recipes with Ghazal। हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की बड़ी। मूंग की दाल की बड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वैसे तो ये मार्केट से भी आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जो हम ये घर पर ताज़ा मूंग की दाल की बड़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल मूंग की दाल ले ली और उसे पानी में डाल दिया और इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। सुबह जब आप देखेंगे तो ये इस तरह से फूली हुई आपको मिलेगी। तो हमें ये बहुत अच्छे से रब करके अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके छिलके निकल सके और ये बहुत ही आसानी से हट जाते हैं, क्योंकि रात भर से दाल फूली ही होती है। तो जैसे ही आप इसे इस तरह से वॉश करते हैं तो ये फौरन ही छिलके से हट जाते हैं। तो चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं और साथ में तैयार कर लेते हैं लहसुन मिर्च की ताज़ा चटनी। जी हाँ, जिसके लिए मैंने लाल मिर्च, जीरा, नमक और लहसुन ले लिया है और इसे फटाफट से पीस कर पेस्ट बना लेते हैं, मतलब लहसुन मिर्च की चटनी कर लेते हैं। और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, फाइनली चटनी हो गई है। तो मैं ये जो दाल है इसे सिल पर ही पीस लेती हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन जब हम चटनी सिल पर करते हैं तो फटाफट से ये दाल भी इसी पर पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन फाइनली ये बहुत अच्छे से पीस कर तैयार हो जाती है। तो इसे बारीक पीस लेना है। सिल पर पीसने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना होता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है। एक प्याज ले ली और 3 हरी मिर्च ले ली, इसे हमें चॉप करना है। तो ये चॉपर भी ले लिया है मैंने। और इतने हम ये पानी बॉयल करने के लिए रख देते हैं। और ये जो हमने दाल पीस कर तैयार की है, तो ये देखिए, ये मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्च भी चॉप कर लिया है और ये हरा धनिया भी चॉप कर लिया है। तो ये प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ इसमें चटनी भी हमने वो ऐड कर दी है, मतलब सारी चटनी ऐड नहीं करी है, हाफ चटनी इसमें ऐड कर दी है। और फाइनली हमने ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्च कम लगती है तो आप इसमें चटनी ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर सकते हैं। और फाइनली ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो ये देखिए, मैंने ये आटे से छानने वाली छल्ली ले ली है और मैं इसके अंदर ये छोटी छोटी सी बड़ी बनाकर इस तरह से रख लूँगी। तो हम इसी तरह छोटी छोटी बड़ियाँ बनाएंगे और इस पर अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। और ये देखिए जितने इसके अंदर, और ये देखिए हमने ये अच्छी तरह से लगा दिए। अब जो हमने वो पानी बॉयल किया हुआ है उसके ऊपर हम इसे रख देंगे और साथ ही साथ इसे बहुत अच्छे से ढक देंगे, मतलब ऊपर से हमें बहुत अच्छे से इसे कवर करना है ताकि ये अच्छे से पक सकें अंदर तक। और बस 5 मिनट में ही ये इस तरह से पक जाती हैं। ये देखिए, नीचे से पानी आ रहा है, उसकी भाप बन रही है और उसमें ये पक रही है, इसलिए इन्हें भाप बड़ी भी कहते हैं। और आप इसे फिर इस तरह से पलट देंगे, ये बहुत आसानी से पलट जाता है। और फिर सारी बड़ियों को हम इसी तरह से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक सकें। मूंग की दाल की बड़ी की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसी तरह से चने की दाल की बड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है लहसुन की कलियाँ, 1 टमाटर और 1.5 अनियन यानी कि प्याज, और ये साबुत लाल मिर्च ली हैं और इनका हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये मसाला हम मिक्सी में ही तैयार कर लेते हैं। तो इसे जार में डाल देंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और बस इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, फाइनली मसाला बनकर तैयार हो गया है
और अब एक बर्तन में ऑयल गरम करेंगे। वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें या फिर ना करें, लेकिन इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया, इसमें जीरा डाल दिया है और अब मैं ये मूंग की दाल की बढ़िया उसके अंदर डाल दूँगी और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए इसमें ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करनी है, बस इन्हें इसी तरह से चलाना है 2 से 3 मिनट। इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब आप मसाला जब डालेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल कम रखेंगे क्योंकि काफ़ी ऑयल इसमें भी है। और ये देखिए हमने फिर से ऑयल डाल दिया है और फिर से थोड़ा सा जीरा डाला है और ये देखिए जीरे का कलर चेंज हो गया है। तो फट से ये मसाला डाल देते हैं जो हमने अभी अभी पीस कर तैयार किया है और इस मसाले को काफ़ी अच्छी तरह से भूनना है। जैसे ये मसाला भून कर तैयार हो जाएगा तब हम उसके अंदर ये मूंग की दाल की बढ़िया डालेंगे। तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनना है और फाइनली आप देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं है क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा डाला भी नहीं है। अब हम ये बढ़िया इसके अंदर डाल देंगे तो ये जो ऑयल है ये भी इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तब देखिएगा कि इसमें काफ़ी अच्छी तरी आने वाली है। तो अभी की मसाला भुन रहा है और साथ ही साथ हमने बढ़िया भी इसके अंदर डाल दी हैं। 2 से 3 मिनट हम इसे ऐसे ही चलाएँगे। वैसे तो इस तरह की बड़ी भी आप खाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन हम ये सब्जी ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालने वाले हैं। पहले से 1 से 2 मिनट अच्छे से चला लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और हम देख लेंगे कि हमें कैसी ग्रेवी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा थिक हो जाता है पकने के बाद। तो हम पहले ही इसमें थोड़ा सा सही से पानी डाल देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। तो ये देखिए अभी हमें लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा और जैसे ही बॉईल होगा तो ये ग्रेवी हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। और फाइनली आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बॉईल हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल देते हैं और फाइनली हमारी मूंग की दाल की बड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी दिखने में डिलीशियस लग रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।